हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे कि सर डीएलएड करने के बाद गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद हमें और कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने होंगे, कितना टाइम लगेगा, सीटेट का एग्जाम हम कब दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो गाइस, डीएलएड कोर्स अगर आप कर रहे हैं या करेंगे और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप दोस्तों सीटेट का जो एग्जाम होता है ना पेपर वन प्राइमरी क्लासेस के लिए, तो उस एग्जाम को दोस्तों आप जो है फर्स्ट ईयर में ही दे सकते हैं। एंड अगर आपका क्लियर हो जाता है तो ये गैस आपका वैलिड होगा। देन उसके बाद गैस आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है, सीटेट का पेपर वन क्लियर हो जाता है। आफ्टर डेट गैस उसके बाद कोई भी स्टेट्स में किसी भी प्राइमरी लेवल की वैकेंसी निकलती है तो आप गैस उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सीटेट के एग्जाम क्लियर होने के बाद ही किसी भी स्टेट्स में प्राइमरी लेवल की वैकेंसी निकलती है। दिल्ली में DSSSB की वैकेंसी निकलती है गैस। बिहार की बात करें तो वहां पर BPSC TRE का एग्जाम होता है। केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो KVS का एग्जाम होता है। और अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर सुपर टेट होता है प्राइमरी लेवल के लिए। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप इसके एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपका मतलब कि एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो और कोई प्रोसेस नहीं है, यही तीन स्टेप है, तीन चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी कुछ भी गैस आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी डीएलएड कंप्लीट कीजिए, साथ में सीटेट का पेपर वन क्लियर कर लीजिए, उसके बाद गैस कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।